भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुपारस भंडारी ने आरोप लगाया है कि इन दिनों फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही राज्य कांग्रेस नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने की नसीहत दे रही है। ऐसे में उनकी नकारात्मक सोच सामने आने लगी है। भंडारी ने बताया कि खुद वसुंधरा राजे ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने की नसीहत दी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों एक विवाह समारोह में वसुंधरा राजे ने मुझे यह कहकर चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी कि चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे। उसमें साफ तौर से ये फ्रस्ट्रेशन नजर आया, अन्यथा मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये बात कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आप चुनाव मत लड़ो, चुनाव हार जाएंगे। मेरा ये मानना है कोई भी नेता हो, चाहे वो आज अशोक गहलोत जी हो चाहे विपक्ष का नेता हो, दोनों को चाहिए कि वो कार्यक्रम के साथ आए। अशोक गहलोत जी कार्यक्रम के साथ आ रहे हैं और उन्होंने जो जो बजट में घोषणाएं की 95% काम उन्होंने पूरा कर दिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं।